2022 में सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से किस बागी विधायक को देखना चाहते हैं? शिवम पाल को। इसकी किसी वजह क्या है? वजह ये है कि अजीत पाल यहाँ कभी आए नहीं और यहाँ कोई विकास नहीं किया है, तो इसके लिए हम उनको नहीं देखना चाहते इस विधानसभा सिकंदरा। अगर शिवम पाल निर्दलीय आते हैं तब भी क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? हाँ, हम लोग सभी लोग सपोर्ट करेंगे शिवम पाल को। नाम है आपका? अमरीश नाम। आगामी आने वाले चुनाव में आप अपना विधायक किसको देखना पसंद करोगे? हम तो शिवम पाल को देखना पसंद करेंगे। किस वजह से? इसलिए कि नया युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही नेक और अच्छा विधायक साबित होगा। इसलिए पूर्व में जो आपके विधायक अजीत पाल जी रह चुके हैं, इनको क्यों नहीं? क्योंकि पूर्व वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। आज हम आज की देखो चाहते हैं, इसलिए हमें शिवम पाल चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिकंदरा विधानसभा से किस प्रत्याशी को आप भावी विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? शिवम पाल को। उसके पीछे वजह क्या है? उसके सम्मान में गांव समाज की सहायता करेंगे और जो होगा सो सम्मान मिलेगा हम लोगों को। जो सम्मान मिलेगा उसको सब कुछ हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोगों को आराम मिलेगी। जो सब ये सड़कें हैं जो हैं, सब लोगों को कट खाना है। अच्छा, जो विधायक है वर्तमान में अजीत सिंह पाल, क्या वो उम्मीदों को आप लोगों को खड़े नहीं करेंगे? उनसे उम्मीद रहती है, जो काम करते नहीं है, जो जीत के बैठ जाते हैं। अच्छा, आपके गाँव में कभी आए नहीं? हमारे गाँव तो नहीं आए। अच्छा, 2022 में विधानसभा चुनाव में सिकंदरा से किस भावी विधायक को देखना चाहते हैं? शिवम पाल। इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अजीत पाल हमारे यहाँ कुछ काम नहीं किया। आया ही नहीं। 5 साल जीत के चला गया, लेकिन आज तक उसने मुंह नहीं दिखाया। इस वजह से आप लोगों का रुझान शिवम पाल की तरफ? शिवम पाल को देंगे अगर खड़ा हो टिकट मिलेगा। हमारा अमित कुमार। अच्छा, 2000 विधानसभा चुनाव में सिकंदरा विधानसभा से किस प्रत्याशी को विधायक के रूप में देखना चाहती हूँ? शिवम पाल भाई साहब को। उसकी किसी वजह क्या है? वजह ये है, जैसे अजीत पाल विधायक साहब बने रहे ना, हमारे इधर देखो कितनी गंदगी पड़ी रही, ना नाला आए, ना नल आए, कुछ नहीं, ना कभी यहाँ आए सड़क देखने, ना गड्ढा देखने, कुछ आते ही नहीं। इसलिए देखना चाहते शिवम पाल भैया।